नौगांव थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनाटी मचान ए घर बाल महावीर हनुमान मंदिर पर अखंड राम धुन का कार्तिक पूर्णिमा को आयोजन किया गया था। तब वहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते थे। इसके बाद जब से कोरोना वायरस का कहर हुआ, सरकार ने जनता कर्फ्यू लगाया, लेकिन इसके बाद राम भक्तों ने खाना की हम राम भजन नहीं बंद करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चालू रहने देंगे। तब से वहां पर श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जाता है। और मंदिर संचालक महंत श्री सूर्य प्रताप सिंह जी और धीरेन्द्र सिंह जी ने बताया कि यहां पर करीब 100 लोगों का खाना शाम सुबह बनता है। वह बेरोजगार गरीब असहाय लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके खाना खिलाया जाता है। छतरपुर से लेखराज यादव की रिपोर्ट। दो लोग जो है काम करना है। अच्छा, अब ये समापन की कब तक तैयारी का अपने ये हम नहीं कह सकते। जब तक उनकी कृपा रहेगी तब तक रहेंगे। जब तक मैंने यहाँ पे देखा भी है कि कई सारे बच्चे भी यहाँ पे मतलब जो रामधन में रंगे हुए हैं, तो आपको मतलब बच्चों को भी उत्साह होता है। जी सर, पूरे क्षेत्रवासियों को है, सब क्षेत्रवासी आते हैं शाम को, सब लोग आते रहते हैं और शाम को भंडारा होता है। सब लोग शाम को रात में सब लोग रहते हैं, दिन में बच्चे औरतें वगैरह आते हैं, सब लोग यहाँ बढ़िया से काम करते हैं, हंसी खुशी से आराम से शाम को घर जाते हैं। शाम को दूसरी सत्र में संगीतमय रामधन होती है, सब लोग आते हैं। हमारे ये लग्गू महाराज जी हैं दापुरा वाले, से भी बढ़िया ढोलक बजाते हैं। जब से स्टार्ट हुई है, जब से इनका सहयोग है, माननीय विशाल सिंह बब्बू राजा, ये भी सब लोग लगे हुए हैं। पूरे गांव के क्षेत्र के सब लोग जुड़े हुए हैं। सुनाटी मचा पंचौरा नए घर कूर चंद्रपुरा आस पास के सब लोग जुड़े हुए हैं। आप इतना बड़ा भंडारा कर रहे हैं, गरीब किसानों को भोजन दे रहे हैं, इसमें किन किन लोगों का अहम रोल है कि मतलब कि यहाँ पर मैंने सब लोगों का यहाँ सब लोगों का है, पूरे क्षेत्र का है, सब उनका है, चलता है, सब हनुमान जी महाराज की कृपा है। हम लोग तो काम कार्य करते रहते हैं, सब लोग लगे रहते हैं। छोटा मोटा